Namaste, students. Greetings of the day. As you know, my name is John, और हम लोग अपना interview essentials cover कर रहे हैं. अब अगर हम बात करें defense की. Now, when we talk about defense and SSB, तो उसमें जो introduction रहता है, उसमें एक common सा pattern है. Tell me something about yourself. You start delivering your answers. My name is ये वो जैसा अभी हम लोग पहले वाले वीडियो में हम लोग ने किया था. अभी हम लोग स्ट्रेंथ पे आके हमने लास्ट वीडियो अपना एंड किया था. अब स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, जब भी हम लोग डिफेंस की बात करें और जब भी हम लोग दूसरे सेक्टर्स की बात करें, फॉर एग्जांपल प्राइवेट सेक्टर या दूसरे गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं, तो देर आर सर्टन थिंग्स जो कि हमें ध्यान में लेके चलनी है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें स्ट्रेंथ्स की, तो स्ट्रेंथ्स आर क्वालिटीज विच वी ऑलरेडी नो दैट वी हैव, लेकिन हमें उन्हें प्रूव करने में ज्यादा एफर्ट नहीं लगेगा. स्ट्रेंथ्स हमारी ऐसी होनी है, राइट. अब अगर हम स्ट्रेंथ्स की बात कर रहे हैं, तो स्ट्रेंथ्स में फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ चीजें हमें ध्यान में रखना है जो कि हमें अवॉइड करनी है. अगेन काफी समय से इंटरव्यू प्रोसेस चलता चला आ रहा है, चाहे कोई भी फील्ड हो, चाहे कोई भी कंट्री हो, चाहे कोई भी जगह हो, कैसा ही भी काम हो, इंटरव्यूज के ही बेसिस पे आदमी किसी को भी रिक्रूट किया जाता है. अब ये तीन स्ट्रेंथ्स मैंने लिख रखी हैं आपके सामने, ऑनेस्टी, हार्डवर्क एंड टीम वर्क. ये तीनों स्ट्रेंथ्स बहुत कॉमनली इस्तेमाल होती हैं, लेकिन इन तीनों के साथ एक छोटा सा मसला है कि ये तीनों, चाहे वो ऑनेस्टी ले लो, चाहे हार्डवर्क ले लो, चाहे टीम वर्क ले लो, इन तीनों के बारे में बताया नहीं जा सकता है ठीक से. इसके इन क्वालिटीज को दर्शाया जाता है, दिखाया जा सकता है. और जब कोई आदमी देखता है किसी की ऑनेस्टी को, तो कोई भी ऐसे कह दे कि भाई आई एम ऑनेस्ट, तो हम मान लेंगे क्या? कोई ये खड़ा होकर ऐसे ही कहता रहे कि भाई आई कैन डू हार्ड वर्क, आई डू हार्ड वर्क, आई एम वेरी हार्ड वर्किंग, तो हम मान लेंगे उसकी इस बात को? नहीं, उस पर सवाल उठेंगे. ये सवाल, ये काउंटर क्वेश्चन से बचने के लिए पहली चीज हम लोग को एक चीज ध्यान में रखनी कि हम लोग वन वर्ड स्ट्रेंथ्स को अवॉइड करेंगे. मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर उसने, अगर हम अपने इंट्रोडक्शन में ही बात कर रहे हैं, तो हमने इंट्रोडक्शन में ऑटोमेटिकली एक टाइम आया भाई शुरुआत से बात करें, ग्रीटिंग्स, ग्रैटिट्यूड, नेम, प्लेस, प्लेस के बाद फिर आया हमारा एजुकेशन, और एजुकेशन के बाद आया हमारा स्ट्रेंथ. अब स्ट्रेंथ में हमने जब बताया कि आई एम, तो जो भी क्वालिटी है, अभी के लिए हम लोग दो स्ट्रेंथ्स ले लेते हैं, एक है कोलैबोरेटिव और एक है कंटिन्यूअस लर्निंग. तो अगर हमने अपना एजुकेशन के बाद स्ट्रेंथ्स की बात करी, तो स्ट्रेंथ्स में हमने बताया आई एम कोलैबोरेटिव एंड आई डू कंटिन्यूअस लर्निंग. अब ये चीज कहना वन वर्ड में, इट इज नॉट जस्टिफाइड. आप अपने जवाब को जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हो, आप ये चीज साबित नहीं कर पा रहे हो कि हाँ आई एम कोलैबोरेटिव, आई एम आई लाइक कंटिन्यूअस लर्निंग, और कंटिन्यूअस लर्निंग से मेरे पास काफी इंफॉर्मेशन मिलती रहती है, एंड आई हैव अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन. ये एक स्ट्रेंथ का ही हिस्सा है. और कंटिन्यूअस लर्निंग में आपका रीडिंग भी आ सकता है, मीटिंग पीपल हो सकता है, विजिटिंग डिफरेंट प्लेसेस हो सकता है. सो कंटिन्यूअस लर्निंग, लर्निंग इज लर्निंग, लर्निंग इज वेरी गुड, लेकिन आप उस चीज को पेश कैसे कर रहे हो, वो कैसे माने आपकी बात, ठीक. तो वही चीज हमने कहा कि भाई ऑनेस्टी, हार्डवर्क, टीम वर्क, ये तीन स्ट्रेंथ हम में है, तो कैसे मान लेगा वो. अब इसका एक थोड़ा सा छोटा सा समाधान है, लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी है. ट्रिकी इस सेंस में कि हमें खाली स्ट्रेंथ नहीं बताना है, हमें उसे एक सेंटेंस में फॉर्म करके बताना है. फॉर एग्जाम्पल ग्रीटिंग्स, ग्रैटिट्यूड, नेम, प्लेस, एजुकेशन. जब स्ट्रेंथ की बात आई, तो स्ट्रेंथ में हमने बताया आई बिलीव दैट अ कोलैबोरेटिव एफर्ट रिजॉल्व्स मेनी इश्यूज. सॉरी, माई लिख रखा है, आई एम रियली सॉरी, एक सेकेंड.
I believe that a collaborative effort resolves many issues and helps in productive learning. अब ये चीज कह करके इसके बाद हमने ऐड कर दिया. So I believe that I am collaborative I believe that I am collaborative and a continuous learner. अब ये वाली जो हमने स्ट्रेंथ बताई थी इस पूरे सेंटेंस के साथ, इस पूरी फ्रेमिंग के साथ, ये एकदम बेस्ट फिट रिस्पॉन्स बैठेगा. इससे वो कनेक्ट कर सकते हैं जो इंटरव्यूज लेंगे हम लोग के. इन इस किस्म के जवाब से वो लोग ये समझ सकते हैं कि अच्छा ठीक है, आपका कम्युनिकेशन इज गुड. इट मे नॉट बी द बेस्ट बट इट इज गुड. आप कम्युनिकेट कर पा रहे हो. आप उनका सवाल जो उन्होंने पूछा, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, तो उन चीजों से आप उस सवाल को समझते हुए आप एक सिंपल सा जवाब दे रहे हो कि मेरा मानना, जब स्ट्रेंथ वाला पार्ट आया तो आपने खुद अपने आप ही बताया कि मेरा मानना है कि साथ में काम करना वो काफी प्रॉब्लम्स को, मसलों को सुलझा सकता है और उससे काफी अच्छा लर्निंग भी हमें मिलती है. इसीलिए मेरा मानना है कि मैं काफी कोलैबोरेटिव हूं और मुझे कंटिन्यूस लर्निंग मेरा एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है. तो ये चीज कहना एक्सप्लेनेशन के साथ इज बेटर रादर देन आपने उसके सामने दो चार पॉइंट्स रख दिए. अब उसमें से वो पिक एंड चूज करे कि अच्छा ठीक है, आप में ये क्वालिटी है, आप में ये क्वालिटी है, अच्छा आपने ये भी क्वालिटी बताई, आप ये दोनों क्वालिटीज को कैसे रिलेट कर रहे हो इस चीज से, और ये तीनों क्वालिटीज आप कहाँ यूज करते हो. तो ये वाला जो कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, ये कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए आपने बहुत सिंपल कर दिया अपने स्टेटमेंट को. आपने कहा सर आई बिलीव दैट अ कोलैबोरेटिव एफर्ट इज अनदर वर्ड फॉर टीम वर्क. Effort resolves many issues and helps in productive learning. Productive learning में, positive learning में, तो मतलब positive attitude आया. Continuous की बात हो रही है, continuous learning की बात हो रही है, तो it means आप observation skills हैं आप में attentiveness है, you are ready to listen, you are ready to see, you are ready to learn, तो automatically आप एक positive attitude वाले बंदे हो गए. तो इसमें हार्ड वर्क कहीं ना कहीं अपने आप आ रहा है. ठीक, तो टीम वर्क, हार्ड वर्क, एवरीथिंग इज कमिंग इन दीज टू वर्ड्स. लेकिन कोलैबोरेटिव और कंटिन्यूस लर्निंग को हमें थोड़ा सा इस तरीके से एक्सप्लेन करना. नाउ मैंने कोलैबोरेटिव और कंटिन्यूस लर्निंग से दो ऑप्शंस लिए हैं. देयर आर मेनी अदर स्ट्रेंथ्स जो कि हम लोग बाद में और कवर करने की कोशिश करेंगे. या अगर आपको भी ऐसा लगता है कोई आप में ऐसी स्ट्रेंथ है, कोई क्वालिटी है जिसको कि आपको मालूम है यू आर रियली गुड एट, तो उसको एक वर्ड में ना बताना. किसी ने भी इन जनरल पूछा व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स, तो वन वर्ड रिस्पांस, नो, वन वर्ड रिस्पांस मतलब आप उससे एक, आप उसको एक मौका दे रहे हो कि वो एक काउंटर क्वेश्चन करे आपसे कि प्लीज एक्सप्लेन ये कैसे आप साबित कर सकते हो. अब ये साबित नहीं करना है हमें, हमें अपना रिस्पॉन्स ही इतना सिंपल रखना है, ओपन रखना है ताकि सामने वाला इजीली समझ सके. तो उसका जो लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग होगी वो थोड़ी इजी होगी आपके लिए. एंड इंटरव्यू में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जो आपके जवाब होते हैं, सो आपके जवाब इज लाइक अ मेन्यू. जो मेन्यू में होता है बंदा उसी को ऑर्डर करता है उसी हिसाब से. आप किसी साउथ इंडियन रेस्टोरेंट में गए, साउथ इंडियन रेस्टोरेंट में आपके सामने जो भी मेन्यू आएगा उस मेन्यू के हिसाब से तो आप ऑर्डर करोगे.
अगर आप किसी चाइनीज रेस्टोरेंट में गए, वहां पे जो मेन्यू रहेगा उसी हिसाब से ऑर्डर करोगे। सो काफी बार लोग कहते हैं कि इंटरव्यूज आर वेरी डिफिकल्ट। नो, इंटरव्यू सबसे आसान प्रोसेस होता है फॉर द कैंडिडेट, क्योंकि उसे पूरा पूरा सामने सामने से जो सवाल पूछा जा रहा है वो उस सवाल का जवाब में ही उसी के आने वाले क्वेश्चंस छुपे हुए होते हैं। सो यू नीड टू मेक योर ओन इंट्रोडक्शन, योर ओन इंटरव्यू अ लिटिल ईजियर, थोड़ा सा आसान करना है। और आसान करने के लिए जब स्ट्रेंथ्स की बात हो रही है, सो डोंट गिव वन वर्ड्स, एक वर्ड भले आप एक ही स्ट्रेंथ बताओ लेकिन उस स्ट्रेंथ को थोड़ा सा एक्सप्लेन करके, राइट। सो एट द एंड बॉटम लाइन इज कि अगर हम स्ट्रेंथ्स की बात कर रहे हैं, स्ट्रेंथ को खुद से बता रहे हैं, तो स्ट्रेंथ्स में यू ओनली नीड टू टेल वन और टू स्ट्रेंथ्स। और जब भी हम दो स्ट्रेंथ्स बताएंगे, कोशिश ये करेंगे कि वो दोनों एक दूसरे से मैच कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। ऐसा तो नहीं कि आपने डिक्शनरी उठाए या गूगल से या यूट्यूब से कोई वीडियो देख लिया या उसमें से कहीं से भी इंटरनेट से कोई एक दो अच्छे अच्छे वर्ड्स ले लिए और आपने उसे एक्सप्लेन कर दिया। नहीं नहीं नहीं, वो लिंक करेंगे आपसे। और कोलैबोरेटिव और कंटिन्यूस लर्निंग अभी आपकी स्टूडेंट लाइफ का एक मेजर हिस्सा है, जिसमें आप कलेक्टिवली सबके साथ मिलकर बैठते हो, तो कोलैबोरेटिव हो गए, टीम वर्क ऑटोमेटिकली होएगा। और जब टीम वर्क हो रहा है तो टीम वर्क में हो क्या रहा है, आप लोग कर क्या रहे, टाइम तो वेस्ट कर नहीं रहे, यू आर लर्निंग। और क्या लर्न कर रहे हो, कंटिन्यूस लर्निंग, आप रोज सीख रहे हो कुछ ना कुछ, एक दूसरे से सीख रहे हो। इवन अगर कोई गलती करा तो उसकी गलती से भी आप सीख रहे हो, अपनी गलती हो रही तो हम अपनी गलती से भी सीख रहे हैं। ऑलराइट, सो लास्ट में बस यही कहना चाहेंगे अभी के लिए कि व्हेनेवर यू टेल अबाउट योर स्ट्रेंथ्स, एक ही स्ट्रेंथ बताओ चाहो तो, लेकिन उस एक स्ट्रेंथ को थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताओ। डोंट गिव वन वर्ड एज अ स्ट्रेंथ। ऑलराइट, सो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। सो हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर। जय हिंद।